एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना तो है, तो है तो पहला ये वेट ऑफ द क्रिकेट पॉइंट आउट करना है तो 30 ग्राम्स मैस है तो इफ यू मल्टीप्लाई 30 विद द एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी जिसको हम 10 ले ले 30 10 10 300 न्यूटन आ जाएगा सिमिलरली वेट ऑफ द मदर 60 केजी मैस है तो 60 को भी अब 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 600 न्यूटन वेट आ जाएगा मदर का अब वेट ऑलवेज एक्स डाउनवर्ड्स ये वेट एक फोर्स हो जाएगी इस किट का वेट भी और मदर का वेट भी फोर्स हो जाएगी अब फोर्स और पिविट जो ये सेंटर में पिविट है इस तक जो डिस्टेंस होता है इसको हम मोमेंट आर्म कहते हैं डी से या आर से इसको डिनोट कर देते हैं तो अगर हमने टॉर्क फाइंड आउट करनी हो तो इसी फोर्स को यानी वेट को हम इस डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स ऑफ द किड वस थ्री हंड्रेड न्यू टू और डिस्टेंस वन पॉइंट फाइव गिवन है तो 1.5 that gives us 450 newton meter as a top caused by the weight of the kit the next question has to the principle of moments and principle of moments says uh, if sum of anticlockwise moments is equal to the sum of clockwise moments the object is in equilibrium

आप लिख सकते हैं द बॉय शुड मूव टू द एज ऑफ वट आर वी यू कॉल इट बार स्पी कैद और रीजन क्या बताएंगे आप उसके रीजन ये बताएंगे दिस इंक्रीजेस द मूमेंट आस टॉक्स बिकम देखते हैं प्रॉब्लम अब इसके ऊपर दूसरे वाले को डब्ल्यू टू कह देते हैं और तीसरे वाले का जो वेट है वो हमें पता नहीं है लेकिन तो उसको डब्ल्यू थ्री से डिनोट कर देते हैं अब डब्ल्यू वन है इसका सेंटर से डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस इसको मैं डी वन बोल देता हूँ और जो दूसरा वाला वेट है डब्ल्यू टू इसका भी सेंटर से यहां से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है इसको मैं डी थ्री बोल दे दो और, और तो लेफ्ट साइड पे देखिए जो, जो मोमेंट है एंटी क्लॉक वाइज कैसे भी खा सकते हैं आप वेट को मल्टीप्लाई करें डिस्टेंस के साथ टाइम्स डी थ्री ये एक आ का ये इक्वल होगी उस तरफ की दोनों टॉक्स के सम की तो दो टॉक्स हैं एक है W1 टाइम्स D1 और दूसरी है W2 टाइम्स D2 इन दोनों टॉक्स का सम अब हमने फाइंड आउट क्या करना है W ये थ्री तो इसको फाइंड आउट करने के लिए D3 दूसरी साइड पर जाके हम डिवाइड करें तो D3 से दोनों साइड्स को हम डिवाइड करते हैं यहाँ से डी थ्री कैंसिल हो जाए